लखनऊ के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में देर शाम राजमा चावल खाकर एक दर्जन से ज्यादा छात्राएं बीमार पड़ गईं। छात्राओं ने इसकी जानकारी वार्डन को दी, लेकिन वार्डन ने लापरवाही दिखाते हुए मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद जब कई छात्राओं की स्थिति बिगड़ने लगी, तब अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। एम्बुलेंस की मदद से सभी छात्राओं को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो वह कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। पक्षी का थाना में स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में देर शाम लगभग 16 से 18 छात्राएं खाना खाने के बाद में बीमार हो गई। उसको स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से रामसागर मिश्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। यहां पर जो अधिकारी मौके पर आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया और किसी तरह की जानकारी देने से साफ तौर पर मना कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ के स्कूल प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते इन बच्चियों की हालत खराब हुई है। देखने वाली बात क्या होगी कि इसको लेकर प्रशासन द्वारा किस तरह की जांच बिठाई जाती है और इसको लेकर किस तरह का अभियान चलाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अनादि टीवी के लिए राजू तिवारी, लखनऊ।